में कभी दर्द भी नहीं हुआ है। कौन अली रजी अल्लाह तआला सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला ना का रिश्ता लेकर आए? ओ लोगो, अबू बकर उमर पर तलकीद सोच समझ के किया करो। सैयदा रजी अल्लाह तआला को सैयदा फातिमा का मशूरा देने वाले रिश्ते का ये अबू बकर रजी अल्लाह तआला नो या उमर रजी अल्लाह तआला नो है? यही दो शख्स थे, अब्बा तो फौत हो गए थे, यही तो वो शख्स थे जिन्होंने हज़रत अली को हुजूर के हुजरे में भेजा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक एजाज ये है, जब नबी से बेटी का रिश्ता मांगने गए, हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे अपना बेटा बना ले, फरमाया मारे शर्म के हुजूर के आगे मेरी जुबान न खुली, मैंने अर्ज की मैं आपकी शफकत में हमेशा के लिए लेने आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना न की, आपने फरमाया अहलम व सहलम मरहबा, आपने फरमाया अली बेटियों का हक है, मुझे बेटियों का हक बतलाने दे। खुदाए पाक की कसम है, मेरा नबी अपने बिस्तर से उठा, आज दरवाजे पर कोई रिश्ता कर के लिए आ जाए, ना अम्मी पूछेगी ना अब्बा पूछेगा, वाह पैगंबर जानवरों के हुकूक जा बतलाए वह बच्चियों के हुकूक बतलाए। हुजूर बेटी फातिमा से पूछने चले गए, जिब्राइल पीछे आके खड़े हो गए, आपने मुड़ के देखा जिब्राइल खड़ा है, फरमाया जिब्राइल तेरा आना कैसा? आज मैं भी अली का वकील बन के आया, परवरदिगार आलम कह रहा है बेटी का रिश्ता लेने आया। पैगंबर सोच समझ के जवाब देना, आगे आपकी मर्जी, आपका रब कह रहा है मैंने कायनात के सारे हसीनों पर, कायनात के सारे जवानों पर, कायनात के खूबसूरत लड़कों पर, कायनात के ईमान वालों पर उनके चेहरों पे मेरे नजर डाली। अल्लाह फरमा रहा है मुझे मेरी इज्जत की कसम अली से सोना जवान ही मुझे कोई नजर नहीं आया। हुजूर तशरीफ ले गए हुजरे में सैयदा के, इसी महीने में सैयदा की वफात हुई, बेटियों में वाहिद बेटी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इनको रुखसत किया, थोड़ा सा घर इनके हुजूर के घर से दूर था, पाक पैगंबर इनके घर रोजाना जाया करते, जिस दिन हुजूर घर ना जाया करते सैयदा फातिमा दरवाजे पे आ जाया करती। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ना कहती है मैं देख के हैरान हुआ करती, दोनों हाथ में हाथ डाल लिया करते, घर के दरवाजे से चरपाई तक वो हुजूर का हाथ चूमा करती, हुजूर बार बार हाथ चूमा करते। ओ बेटियों वालों, खुदा के वास्ते तुम इतनी देते रोते हो, पाक पैगंबर को देखो, मेराज की रात जिसके पैरों की तलियां जिब्राइल चूमने के लिए आया, आठ दरवाजे पे बेटी की हथेलियां चूम रहा है। सैयदा कहती जब चरपाई पर आके सैयदा फातिमा हुजूर खड़े हो जाते, मेरी आंख ने देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम है जब उस वक्त जब तक सैयदा फातिमा ना बैठती कबली वाले खड़े रहते, सैयदा फातिमा के माथे पर बोसा देते। एक मरतबा तो सैयदा फातिमा को सीने से लगा के फरमाया अल्लाह फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, अर्श वाला तू भी इससे मोहब्बत करने लग जा। निकाह हुआ हजरत अली रजी अल्लाह अनु का, अली जाओ तैयारी करो, कुछ तेरे पास है? कभी एक जीरा और एक तलवार है। अली तलवार रख, मर्दों की निशानी है, जिहाद में काम आएगी। जीरा जा मदीने के बाजार में बेचा। खुदा की कुदरत, इत्तफाक देखिए, क्या मदीने में सिर्फ उस्मान ही था? क्या मदीने में कोई और अमीर नहीं था? इत्तफाक था, अल्लाह का हुक्म था, मुलाकात उस्मान से करवाई ताकि दुनिया को पता लग जाए इनका वैर नहीं, इनका आपस में प्यार है। हज़रत अली के हाथ में जीरा देखी, कहाँ चल दिए? कह रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दिया, शादी की तैयारी करने जा रहा हूं, क्या करोगे? कई बाबुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हक मैर की अदायगी के लिए जीरा बेचने का कहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कितने की? कहा 600 की या 450 की, बाज़ रवायत में 600 की आया, 600 दिरहम दे दिए। हज़रत अली जाने लगे, कहा ऐ अली शादी का तोहफा कोई नहीं लेगा? कहा क्या तोहफा? कहा जीरा मैंने खरीद ली, पैसे तुझे दे दिए, ये शादी का तोहफा उस्मान तुझे दे रहा है, पैसा तेरे निकाह के हक मैर में काम
آئے گا، زرہ جہاد میں کام آئے گی۔ علی جب تک یہ زرہ تیرے وجود پہ رہی لڑتا تو رہے گا، ثواب اس مال کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس زرہ لے کر حضرت علی پہنچے، ہاتھ میں زرہ دیکھی اور پیسے دیکھے۔ علی کہاں سے آئے؟ کہ وہ تیرا داماد لاڈلا عثمان رضی اللہ عنہ نے سودا کیا، کہ زرہ بھی دے دی پیسے بھی دے دیے۔ حضرت علی کہتے میرا ایمان گواہ، میری آنکھیں گواہ، میں نے آمنہ کے لال کو، مدنی مٹھے سرکار کو میں نے دیکھا، آپ نے ہوا میں ہاتھ بلند اٹھا دیے، آپ علیہ السلام رو بھی رہے تھے اور دعا فرما کے کہہ رہے تھے اللہ فرشوں پہ میں اس مال سے راضی ہو گیا، عرشوں پہ اللہ تو اس مال سے راضی ہو جا۔ ان کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہو جن کے ایمان کی اللہ تصدیق کرے؟ کیسے؟ اولائک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے ایمان کے عرشوں پہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ نکاح کا وقت آیا حضرت علی کا، گواہ کون بنے؟ اللہ اکبر، حضور ممبر پر آ کے بیٹھ گئے، صحابہ کا مجمع مسجد نبوی میں بھرا پڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر سامنے بیٹھے، آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کا ہے۔ حضرت ابو بکر عمر لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میرے دائیں آ کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی سامنے، ابو بکر عمر دائیں، صحابہ سامنے بیٹھ گئے۔ فرمایا اے علی، میں فاطمہ الزہرا کا نکاح ان گواہوں کی موجودگی میں محمد الرسول اللہ کر رہا ہوں، اور میرے عزیزوں اگر ابو بکر اور عمر کا ایمان قبول نہیں، خدا پاک کی قسم فاطمہ علی کا نکاح جائز نہیں۔ اگر گواہی جھوٹے ہو جائے تو میرے بھائی کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے صحابہ پر ظلم و ستم نہ کرو، ابو بکر عمر کے ایمان کو نہ کھولو۔ خدا پاک کی قسم حضرت علی فاطمہ کے نکاح پہ رفع جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفلسی تو ایسی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ کو بیا کے کہاں رکھے گا؟ حضور علیہ السلام کے سامنے رونے لگ گئے، کہنے لگے کملی والے، باپ غریب تھا کثیر العیال، بہن ام ہانی حضرت علی کی جس کے گھر سے حضور معراج پہ گئے، یہ وہی ام ہانی ہے جس کے گھر میں حضور فتح مکہ کے موقع پر آئے، آپ نے کھانا بھی اس کے گھر میں کھایا، آپ نے لباس بھی، آپ نے غسل بھی فرمایا، آپ نے آرام بھی کیا۔ مکے کے سرداروں نے، بڑے بڑے رئیسوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، حضور غریب بڑی محل کے دروازے پہ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا دسترخوان تو بڑے نظر آئے، اگر دسترخوان پہ بیٹھ گئے غریب محل کا دروازہ بھول گیا، لوگ قیامت کی صبح تک بہنوں غریبوں کو فراموش کرتے رہیں گے۔ غریب محل کے دروازے پر پانی کے گھونٹ کے ساتھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبا کر محبت بہنوں کا شان بتانے کے لیے آیا ہے۔ پڑھو تو صحیح اسلام، پڑھو تو صحیح قرآن، اب تو پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ علی مکان کوئی نہیں، کہا جی مکان کوئی نہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی علی کو مکان دے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول اللہ میرے مکان کم کام آئیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ اس مکان کو دیکھنے کے لیے حضور علیہ السلام نے بھیجا، جا جا کے مکان دیکھ کے آئے، ایک دوسری مائی کو ساتھ غالباً ام ایمل کو، جاؤ مکان دیکھ کے آؤ میری فاطمہ کے قابل ہے کہ نہیں۔ آپ نے لال رنگ کی مٹی ساتھ لی، حضرت علی کے لیے جو مکان بنایا تھا اس کے گھر کے ویڑے کا فرش اوپر نیچے تھا، ان دو مائیوں نے اس فرش کا پلستر کیا، پھر آ کے کہا اللہ اکبر، جس کو پل سراج سے گزرتے جھٹکا لگے گا، پل سراج سے گزرتے جب نبیوں کی نگاہیں نیچی کروا دی جائیں گی، ہم نے تیری بچی کے لیے سین ہموار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر رخصت کرنے کے لیے آئے۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، کسی کو رخصت باپ کرے گا، کسی کو میرے عزیزوں ماما کرے گا، رخصتی کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے میرے سے بردار
एहसास नहीं होता, मेरा कलेजा फट जाएगा। ओ मेरे अजीजो, अपने तल से अपने जिगर के टुकड़ों को जुदा करना कोई आम बात नहीं। खुदाए पाक की कसम, बेटी की जुदाई के वक्त तो इमाम उलंबिया भी रो दिया है। सैयदा को रोते देखा, सर झुका देखा, आपने फरमाया फातिमा क्यों रोई? जिनकी माया दुनिया से चली गई, कलेजे पे हाथ रख के सुनना। खुदाए पाक की कसम, घर में बर्तन भांडे मौजूद हैं, घर में सामान मौजूद है, माँ बाप के जनाजे उठ जाने के बाद हंसते बसते घरों में वीरानी आ जाती है। तुझे अपनी माँ अजीज है, फातिमा को क्या माँ से प्यार ना होगा। सैयदा सर झुका के रोने लग गई, हालांकि माँ आयशा खड़ी थी, माँ हफ्सा खड़ी थी, माँ उम्मे सलमा खड़ी थी। अल्लाह अकबर, किसी को सहेल या रुख्सत करेगी, किसी को उसकी स्कूल कॉलेज की दोस्त रुख्सत करेगी। वाह फातिमा, तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान हो, तुझे रुख्सत करने के लिए अम्मा आयशा उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी है, तुझे सलामी देने के लिए आसमान से फरिश्ते आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को ते देखा, आपने फरमाया फातिमा क्यों रोई? हुजूर के सीने पर धड़ाम से गिरी, पैगंबर के साथ अपने जिस्म को लगा के जारो कतारों के कहने लगी, अब्बू जान, आज मुझे मेरी मां खदीजा तुल कुबरा याद आ रही है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला के साथ रुख्सत हो गई, हज़रत अकील रजी अल्लाह रुख्सती लेने के लिए आए, हज़रत अली के भाई। कैसा प्यारा घर था, हाय, खजूरों की छाल की छत, हाय, जाओ पीर मेल के रोशन ख्यालों रोशन जमीरों बाजार भरे पड़े। कोई ईद के बाद अपनी बच्ची की शादी करेगा, शादी का जहेज जहेज का सामान लेने के लिए कोई यार को साथ लेके आता है, कोई चाचे को साथ लाता है, कोई ताए को साथ लाता है। हुजूर ने लाल फरमाया, अबू बकर उमर लब्बई का या रसूलल्लाह, आपने फरमाया मेरे साथ मदीने के बाजार में चलो, मैं फातिमा का सामान लेने जा रहा हूँ। फरिश्ते भी हैरत से देख के सलामी करते होंगे। घर का दस्तरखान है, रोजे पहले पसंद थे और रोजा भी मेरे अजीजों की हालत में रखते हैं। फरमाया बहुत ही मुकद्दरों की बात होती जब हमारे रोजे की हालत में हमारे दस्तरखान पे रोटी आ जाया करती, वरना फातिमा हसन हुसैन और हजरत फुज्जा ये आपकी खादमा कनीज है। फरमाया कई कई दिल खजूर के दाने पानी के घूंट से रोजा अफ्तार किया करते थे। एक दिन मुकद्दरों से कहीं आटा घर में आ गया, रोटी पक गई, रोजे की हालत थी। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे दस्तक हुई, बिस्किल दरवाजे पर आके खड़ा है, उधर अफ्तारी का वक़्त है, ये कौन? अली रजी अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे करम अल्लाह वजू का लकब दिया, करम अल्लाह वजू। नबूवत ने हाथ उठाए, फरमाया ए अली, जैसे आसमान पे सूरज चमकता है, मेरे सहाबा में कयामत की सुबह तक तेरा चेहरा ऐसे ही चमकता रहेगा। कौन? अली रजी अल्लाह ताला। अम्मा ने आपका नाम हैदर रखा, अम्मा ने आपका नाम हैदर रखा। हैदर झपट कर अपना हक लेने वाला, कमली वाले की तरफ से लकब असदुल्लाह व असदु, असदुल्लाह का लकब मिल गया, अल्लाह के शेर का लकब मिल गया, अली उल मुर्तजा का लकब मिल गया, अबू तराब का लकब मिल गया, मुसलमानों के चौथे खलीफा का एजाज मिल गया है। फरमाया उधर अफ्तारी का वक़्त, अल्लाह अकबर। या तो दस्तरखान पे बैठे, माँ नजर नहीं आती, अब्बा नजर नहीं आता, भाई नजर नहीं आता, खाने के आदाब भी कमली वाला जब बैतुल खला में जाने का तरीका बतलाया, कमली वाले ने वह खाने का तरीका भी बतलाया है। दरवाजे पर दस्तक हुई, अहलुल बैत के दरवाजे पर आया, कुछ खाने को मिल जाएगा।
हज़रत अली ने सैयदा फातिमा की तरफ देखा, हज़रत हसन हुसैन की तरफ देखा, किसी को ना कापनी दे आओ। अपनी रोटी उठाई, बेटे हसन कजी अब्बा कजा मेरी रोटी फकीर को दे आ। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा, का शौर सखावत कर सकता है, बीवी पीछे कैसे रह सकती है। सैयदा फातिमा ने अपनी रोटी दे दी। हज़रत हसन कहने लगे, अब्बा जान हमारी तरबियत किसी गली वाले ने नहीं की, हमारी तरबियत रसूलुल्लाह के दामाद ने की है, हमारे अब्बा अली तूने हमारी तरबियत की है, अपने हिस्से की रोटी। हज़रत हुसैन खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर, कहने लगे मेरे हिस्से की रोटी भी ले जाओ। हज़रत फुज्जा आपकी कनीज देख रही थी, धाड़े मार के रोने लगी, कह लगी आलुल बैत का घराना सखी हो सकता है, गुलाम सखी क्यों नहीं हो सकते। आज आलुल बैत सखावत कर रहा है, आलुल बैत के गुलाम भी सखावत में शामिल हो रहे हैं।